हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मेरा नाम है राहुल त्यागी और आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और हमारे साथ आज हमारे भाई हैं, कज़न जो हैं हमारे, आशीष त्यागी। हाय, कैसे हैं आप सब। तो गाइज, आज आदित्य है नहीं हमारे साथ, तो किसी काम से नहीं आ पाया। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, आपको बाकी मैं रास्ते में बताता हूँ क्या चीज़ है, कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं खुर्जा। तो खुर्जा ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और मेरे साथ आशु है और मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है। देखिए तो श्रेया है। तो आज हम पूरे मतलब सभी जा रहे हैं। तो मेरी ससुराल है वहाँ पे खुर्जा में, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो विदु को अपने नाना से मिलना था, मेरे बेटे का नाम विदु है, तो उसको अपने नाना से मिलना था, तो नाना से मिलवाने जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको और ड्रॉप करने जा रहे हैं। भाई फ्री हो रहा है कुछ दिन के लिए, शांति के जीवन जीने के लिए। मिलते हैं आपसे आगे। और आशु कितना टाइम लगेगा अभी हमको पहुंचने में? अप्रोक्सली 1 घंटा तो चाहिए। 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे में मिलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं व्यू। मजा। A few moments later। यार म्यूजिक चलाओ यार, म्यूजिक। बहुत दिन बाद निकले हम लॉकडाउन से। काफ़ी खाली मिल रही है आज, बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत दिन बाद लॉकडाउन से, मतलब क्वारंटीन भी हो चुके थे, अगर घर में है तो क्वारंटीन ही है 1 महीने से। और निकले हैं आज हम लॉन्ग ड्राइव पे। ये आप देख रहे हैं NH-91। की तरफ ही निकलने हैं अब। और क्या, आज ये बहुत तगड़ी बढ़िया रोड बनी है भाई साहब। रोको यहाँ, सही है। चल अच्छा, कहीं देखेंगे आगे, रोके हैं कुछ है नहीं। 2000 years later। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे गांव नहर पे पहुंच गए। गंग नहर कहते हैं। नहर दिखा दूं मैं आपको। आंसू है कुछ, ये देखिए नहर है। उधर से दिखाओ ना, बैक कैमरा करके दिखाओ। गाड़ी रोक के डाल दो इसमें। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, ये यहाँ पे नहर पड़ती है, तो उसी के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पे दो नहर है, तो ये दोनों है एक साथ, एक छोटी एक बड़ी है। तो जो छोटी है उससे क्या होता है कि यहाँ पे पहले किसान यूज करते थे अपने खेतों में पानी के लिए। लो ये शुक्रिया, लो निकल के डाल। देखो अब यहाँ पे गोबर पाते हैं। A few minutes late। ये हरियाली गांव। तो गाइस ये सीन है यहाँ का गांव का, देखो जहाँ मेरी ससुराल है। तो ये सीन है यहाँ का, बड़ा मजा आता है यहाँ पे जब मैं आता हूँ कभी 1-2 दिन रहने के लिए। पूरा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास सीन है, पूरी हरियाली है इस साइड में, ये देखो। और इधर आम के बाग भी हैं, वो आम के बाग हैं। और उसमें एक ट्यूबवेल भी है जिसमें हम नहाने जाते हैं। यहाँ सो वहाँ पे एक ट्यूबवेल है जिसमें नहाने जाते हैं, आम खाने आते हैं। आमों का सीजन चल गया, आएंगे 1 महीने बाद गाइस, तो वो ट्यूबवेल की वीडियोस भी आपको मिलेंगी। अगली बार जब आएंगे जरूर आपको दिखाएंगे वो ट्यूबवेल जिसमें नहाते हैं हम। यहाँ पे आके वहीं अपना खाना पीना लेके वहीं बैठते हैं, पूरा देसी स्टाइल में रहते हैं वहाँ पे। आम की चटनी के साथ। तो गाइस चलिए, ठीक है, मिलते हैं आपसे रास्ते में। ठीक है, ओके। 3000 years। तो गाइस आ चुके हैं हम अपनी ससुराल में। तो ये मेरी ससुराल है गाइस, तो ये रास्ता वहीं जा रहा है सीधा गांव में। और ये यहाँ का व्यू है, देखिए पूरी हरियाली हरियाली है यहाँ पे। आम के बाग ही बाग है और आम का मौसम है। आम का मौसम है और यहाँ पे आम भी हम खाते हैं, यहाँ से जाते हैं हम हमारे यहाँ पे। तो ये देख लीजिए ये व्यू है। पर घर हो तो ऐसी जगह जगह ही होना चाहिए। आजू
आराम से रह लो भाई, यहाँ पे ना प्रदूषण है ना कुछ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आदमी रहने लगे तो कम से कम 5 साल एज बढ़ जाए आदमी की। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगी भाई, हरियाली में रहेगा। अस्थमा जैसे मरीज बहुत कम। ये पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, आगे हैं मकान आने वाले हैं, तो उससे आगे फिर ससुराल है। ससुराल है यहाँ पे, इनके चारा तो डीजे बजाना, यहाँ से डीजे बजाना। तो गाइस हम बारात लेके यहीं पे इसी गांव में आए थे, और हम दो बारात एक साथ आई थी, मैं और मेरा एक जो आशीष है उसका जो बड़ा भाई है, तो हम दोनों की शादी एक ही साथ हुई थी एक ही जगह से। शादी के बाद आप क्या सजेशन देना चाहते हैं जिनकी नहीं हुई उनको? भाई ये भैया अपना सेफ रहो, और कोरोना की तरह ये एक बार जब चिपक जाए तो फिर जिंदगी बन लेके ही जाएगा तुम्हें। तो भाई ये आ चुके हैं हम गांव में, कोरोना तो एक ही बार मार गए तो पूरी जिंदगी मार दे। तो ये सामने वाला दिख रहा है गाइस, तो यहीं से मतलब जो बारात चढ़ती है तो यहीं से ही चढ़ी थी गाइस, देख लो आप ये सामने वाले घर से। और यहाँ से फिर हम ले लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट होके मारेंगे हम राइट। और ये मतलब ये भी अपने घर ही हैं यहाँ पे, इन्होंने ससुराल के चक्कर नहीं मारे, ये थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे, चढ़ते जा रहे हैं। और ये सामने ही ये घर है वाइट कलर का घर, हमारी मौसी भी रहती है, तो हमने सोचा कि उनसे मिलके ही चला जाए। नाश्ता वास्ता अपना बढ़िया हो गया हमारा, तो अब घर की तरफ ही निकल रहे हैं। तो नाश्ता इतना हो गया कि लंच की जरूरत ही नहीं है, लंच आज करा ही नहीं पूरे। वहाँ पे गए ससुराल में तो वहाँ पे भी नाश्ता बढ़िया मिला, मौसी के यहाँ आए तो पूरी खातिरदारी हुई यहाँ पे। अरे अपना क्या करें, तो बढ़िया हो गया एकदम फर्स्ट क्लास दिन, छुट्टी मजे में जा रही है कुल मिला के। बहुत लॉन्ग ड्राइव भी हो गई है मेरी, तो भाई हमारा ड्राइव कर रहा है। तो और कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है? पूरा सपोर्ट चाहिए, अभी इतना ब्लॉग बनाने का पता भी नहीं है कैसा बनता है, तो देख लेना ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है गाइस? तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे, ओके।